तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आईफोन एसी के साथ पोको एफ1 का एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, जो आईफोन एसी है दोस्तों, ये लेटेस्ट iOS 12.1.4 के अंदर रनिंग कर रहा है। शायद आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और हमारे पास जो पोको एफ1 है दोस्तों, ये MIUI का ग्लोबल स्टाइल वर्जन के अंदर रनिंग कर रहा है, MIUI 10.2.3.0 एंड्रॉइड पाई के साथ। सो हम स्पीड टेस्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दूं, आप मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन को दबाते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो हम सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों हम ट्राई ओपन करते हैं पहले कैमरा एप्लीकेशन से, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं दोस्तों कैमरा से। 3, 2, 1 गो। आप बताना कौन सा ज़्यादा फास्टर है। यहाँ पर मेरे सबसे पोको एफ1 दोस्तों पहले ओपन हुआ। उसके बाद दोस्तों ट्राई करते हैं अपना फाइल्स। मेरे सबसे यहाँ पर दोस्तों अपना आईफोन एसी है। चलते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर। पोको एफ1 यहाँ पर क्लियर कट विनर है। उसके बाद कैलकुलेटर को ट्राई करते हैं। दोनों ही सेम है मेरे सबसे, आप बताओ। उसके बाद दोस्तों हम ट्राई करते हैं अपना जेंडर। यहाँ पर पोको एफ1 विनर है। चलते हैं यूट्यूब की तरफ। यूट्यूब को ओपन करते हैं, देखते कौन सा ज्यादा फास्टर है। यहाँ पर पोको एफ1 विनर है। यहाँ पर बाद में दोस्तों अपना आईफोन एसी के अंदर ओपन हुआ है। सेटिंग्स मेनू को ट्राई करते हैं। मेरे सबसे आईफोन एसी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी दोस्तों सेटिंग्स के अंदर जो सेटिंग्स में पहले था वो अपर ही है। उसके बाद दोस्तों ट्राई करते हैं अपना प्ले स्टोर ऐप स्टोर। यहाँ पर प्ले स्टोर पहले ओपन हुआ है पोको एफ1 के अंदर। उसके बाद दोस्तों ट्राई करते हैं अपना पेटीएम को। पहले ओपन हुआ है दोस्तों अपना पोको एफ1 के अंदर। ब्यूटी प्लस को ट्राई करके देखते हैं। ब्यूटी प्लस यहाँ पर दोस्तों पोको एफ1 के अंदर पहले ओपन हुआ है, उसके बाद अपना ओपन हुआ है आईफोन एसी के अंदर। बाकी आप बताओ कौन सा फास्टर है आपके हिसाब से। यहाँ पर ब्राउजर और सफरी को ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑफकोर्स विनर है अपना आईफोन एसी। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हुए एंड्रॉइड की स्कोर कितना है, पर आईफोन एसी क्लियर कट विनर है दोस्तों। जो स्कोर है दोस्तों, स्कोर कुछ इस तरह से मिलता है दोस्तों, इसके देख पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्कोर के मामले में दोस्तों पोको एफ1 ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर आईफोन एसी पीछे है। स्कोर को हटाओ, रियल लाइफ में देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा हेवी टास्किंग करने वाले हैं, मतलब हम यहाँ पर गेम्स को ओपन करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों पबजी मोबाइल से, ठीक है। सो चलते हैं पबजी मोबाइल के अंदर। 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हम इसे सो शुरुआत करते हैं दोस्तों पबजी मोबाइल से। ओपन करते हैं पबजी मोबाइल। 3, 2, 1 गो। सॉरी दोस्तों अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर पबजी मोबाइल का जो लोगो है पहले आईफोन एसी के अंदर आया है, उसके बाद दोस्तों आपका पोको एफ1 के अंदर आया है। यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट विनर आपको मिलता है आईफोन एसी। गेमिंग ओपन होने के मामले में दोस्तों आईफोन एसी विनर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फोर्टनाइट को ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं फोर्टनाइट किस तरह से ओपन होता है, कौन सी डिवाइस के अंदर पहले ओपन होता है फोर्टनाइट। सो 3, 2, 1 गो। एपिक का लोगो पहले आईफोन एसी के अंदर आया है, उसके बाद दोस्तों अभी भी नहीं आया है अपना पोको एफ1 के अंदर।
तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्टिमाइज कंटेंट है दोस्तों ये यहाँ पर पोको एयरफोन के अंदर आया है, पर आईफोन इसके अंदर नहीं आया है। दोनों ही दोस्तों नया वर्जन के अंदर अपडेट करके दिया गया है आपको। बहुत दोस्तों जो आईओएस है दोस्तों गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। सो स्पेशली जो आईओएस डिवाइस होता है, जितने भी दोस्तों आईफोन है उसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस अप टू मार्क होता है, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अंदर दोस्तों जो गेम्स होती है उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है, तो इसलिए दोस्तों आईओएस के अंदर जो गेम्स है, स्पेशली गेम्स नॉट एप्लीकेशन, गेम्स बहुत जल्दी से रन होता है, बहुत अच्छे से रन होता है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होकर आता है। यहाँ पर दोस्तों आईफोन एसी क्लियर कट विनर है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो आईफोन एसी के अंदर दोस्तों फोर्टनाइट ऑन हो गया है, पर यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं दिखा रहा है। एनीवे दोस्तों आपको बता दूं, इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक है सीढ़ी, सो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड गेमिंग्स के लिए परफेक्ट नहीं है, या एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारी दिक्कत आ सकती है गेम के लिए, पर जो आपका आईफोन है दोस्तों आईफोन गेम के लिए परफेक्ट है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के लिए। एनीवे दोस्तों ये जो टेस्ट किया था, स्पीड टेस्ट हमने किया पोको फोन और आईफोन एसी के अंदर दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से जो अल्टीमेट विनर है दोस्तों वह है आईफोन एसी नो। जो अल्टीमेट विनर है दोस्तों है पोको फोन। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख लो स्क्रीन साइज देख लो, यहाँ पर आपको 4 इंच की स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलता है, फुल एच डी है दोस्तों, एच डी भी नहीं है दोस्तों, 450 पी का आपको मिलता है। सो अगर आप 2019 के अंदर एक फोन खरीदने जाते हो जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा है दोस्तों, पोको ए फोन ही रिकमेंडेड है। यहाँ पर आईफोन एसी आप चाहो तो शौक के लिए खरीद सकते हो, सिर्फ एप्पल लोगों के लिए खरीद सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो कैमरा है दोस्तों आईफोन एसी का कैमरा अच्छा है, पर स्क्रीन साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। और दोस्तों आईफोन एसी 2 भी शायद आने वाला है, अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है कॉन्फर्म। एनीवे सो अगर आप खरीदना चाहते हो दोस्तों 2019 के अंदर, मैं आपको 100% पोको फोन रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर आपको बिग स्क्रीन मिल जाती है, आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, आपको 18K 19K 20K के अंदर आपको पोको फोन 6GB 64GB मॉडल मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों एंड्रॉयड पाई का लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड आपका जो 10 है, एंड्रॉयड क्यू है, वो भी दोस्तों पोको फोन के अंदर आप कस्टम रॉम के थ्रू इन्जॉय कर पाओगे। आपको सभी जो मॉडर्न फीचर है सभी आपको पोको फोन के अंदर मिलती है, पर दोस्तों जो आपका आईफोन एसी है उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा। ऑफकोर्स यहाँ पर आप गेम खेल सकते हो दोस्तों, आईफोन एसी के अंदर गेम खेल सकते हो, गेम जल्दी जल्दी ओपन होगा, पर दोस्तों बहुत छोटा स्क्रीन है, आपको मजा नहीं आएगा। अगर आपके पास बड़ा स्क्रीन होगा तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, स्पेशली पबजी फोर्टनाइट गेम को खेलने के लिए आपको बिग स्क्रीन की जरूरत होती है। और यहाँ पर बता दूँ जो पबजी है दोस्तों, पबजी दोनों फोन के अंदर रनिंग होता है एचडी के अंदर, पर यहाँ पर आपको मैं पहले देखा